मुंबई से सटे पालघर जिले के बोईसर में स्थित सिल्वर इवन्यू होटल में भोजपुरी निर्गुण सम्राट भरत शर्मा का प्रोग्राम बिहार सेवा संघ के द्वारा किया गया, जिसमें व्यास ने अपने निर्गुण गानों के माध्यम से वहां पर उपस्थित सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वहीं बिहार सेवा संघ के अध्यक्ष बीके सिंह और कार्यकर्ताओं के द्वारा व्यास जी को गणेश की प्रतिमा और पुष्प की माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं व्यास जी ने भोजपुरी समाज को एकता के बंधन में बांधने का संदेश दिया है और भोजपुरी में बढ़ रहे अश्लील गानों को सभी भोजपुरी समाज को न सुनने का निर्देश दिया है। पेश है न्यूज 24 भारत से उमाकांत भारती की रिपोर्ट। बिहार सेवा संघ के विषय में यह बोले के बाजे बिहार सेवा संघ जो कमेटी बनन दिया एकरो से बड़ा कमेटी बने एकरा में ज्यादा से ज्यादा सदस्य होबस ज्यादा से ज्यादा एकरा में भोजपुरिया लोग जुड़स एक छतरी के नीचे होबस यह हमार सबका से आग्रह बा विनती बा कि इतना दूर आकर के सब लोग एकता के साथ में भोजपुरी के परचम लहरावे झंडा लहरावे यह हमार सबका से आग्रह बा। संगीत संगीत के माध्यम से सर बोईसर वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बोईसर वासी लोग का यह संदेश देता नहीं कि आज जो बड़ुए नया नया गायक लोग अश्लीलता फैला रहा बा बड़गर गीत गा रहा बा ओकरा से बचे के काम बा अच्छा अच्छा गीत गावे के बा अच्छा अच्छा लिखे के बा आ श्रोता लोग से खास करके आग्रह बा कि अच्छा अच्छा गीत सुनी सबे अश्लील गीत सुनल बंद करी सबे अश्लील गीत अपने बंद हो जाए। ये जो कार्यक्रम आज आपने करवा सफल हुआ इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए यहाँ पर जब से मैं आया हूँ कुछ मजा नहीं आ रहा था, एक मंच के पीछे सभी लोग आके बैठे ऐसा कुछ मुझे मंच नहीं दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर गुरुजी की चरण रज में अगर पुरुषों तक खींच के लाऊं तो शायद उस बहाने सभी लोग एक मंच के नीचे बैठे अभी आदमी बैठता है तब आदमी बातें भी करता है और जब बातें होती है तो फिर अपनापन होती है और जब अपनापन होती है तो आदमी जुड़ जाता है और जब जुड़ जाता है तो फिर वही होता है जो एक अपने भाई भाई के लिए सोचता है। यही मेरा उद्देश्य था। बिहार संघ सेवा संस्था सामाजिक लेवल किस तरह से काम करेगी, क्या इसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए अभी तो बच्चा गर्भ से निकला ही है तो बहुत बड़ी बात हम नहीं करेंगे लेकिन यह कहेंगे कि जिस तरीके से आज गुरुजी हमारे रिक्वेस्ट अनुरोध पे आए और आकर के मैं इतना मानने वाले था मेरे लिए कोई नहीं आता मगर ये गुरुजी की भूमिका है कि आए तो सारे लोग आए तो अब इसी से आप भविष्य समझ लीजिए आप तो खुद ही पत्रकार समझदार है भाईचारा बढ़ाना हाँ गुरु जी आए तो आगे ऐसे ही मीठी पानी और भाईचारा आपस में दूसरे के प्रेम सुख दुख में दूसरे खड़ा हो। आज एक बात और मैं कहूँगा जहाँ जितने लोग बैठे हैं वो मेरे बाद में थे लेकिन मैं कहा नहीं कि मेरे को समय क्यों था। देखिए आप दूसरे दूसरे में क्या होता है कि यदि कोई दुर्घटना कुछ बात होती है तो सैकड़ों लोग खड़े जाते हैं पैसे से ताकत से लेकिन उत्तर भारतीय मरियम समाज अपने गिरे बांध में झाँक के देखे एक सामान्य तौर पर पुलिस चौकी जाने में भी मेहमान लगते हैं आखिर हमारा क्या गुनाह है भाई? गुनाह यही है कि हमारे समाज के जो ताकतवर लोग हैं वो खड़े नहीं होते साथ। भरत शर्मा जी का सुबह सुबह कॉल आया कि मैं आ रहा हूँ, शारदा सिन्हा जी भरत शर्मा जी उन लोगों का प्यार है कि जब वहाँ से चलते हैं तो मुझे बुलाते हैं जहाँ भी कार्यक्रम होता है सम्मानित भी करते हैं तो ये उनका बड़प्पन है मेरा नहीं। मेरी यही कोशिश रही है अभी तक कि हम जितना भी भोजपुरी समाज है हिंदी समाज है दोनों को जोड़ के अपनी लेखनी से हम अब तक चल रहे हैं और हम जोड़ें आगे भी और आप पत्रकार लोगों की दुआ रही आशीर्वाद रहा तो ये और भी ज़्यादा सक्सेस होगा मेरा प्लान कि हिंदी के जितने भी बड़े मैं हिंदी से भी हूँ हिंदी में पिया बसंती एल्बम आया था जो काफ़ी पॉपुलर रहा और लता जी ने भी मेरे गीत गाए हैं आशा जी ने उषा जी ने लता जी ने गीत गाए थे मेरे माई तो बस माई बड़ी के लिए और आनंद मिनी जी का संगीत था और शोले के प्रोड्यूसर जिप्पी सिप्पी जी ने उसे बनाया फिल्म को बनाया था और बहुत ज़्यादा सौभाग्य रहा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा मेरा कि एक लोग कहते हैं कि एक मैं ही हूँ जो हिंदी में भी हूँ और भोजपुरी में भी।
तो भोजपुरी वासियों को क्या, भोजपुरी जो बोलते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अपने मन में? जैसे भरत शर्मा जी ने कहा वही संदेश मैं भी देता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें, अन्य भाषी लोगों से आप उनकी भाषा हिंदी भाषा में बात करें भले ही, लेकिन अपने लोगों से जो भी हमारे भोजपुरी भाषी हैं उनसे आप भोजपुरी में बात करें, भोजपुरी में प्यार करें और जो भी करें भोजपुरी में करें, ये हमारा संदेश रहता है।